जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने आरोप लगाया है कि साल 2009 से 2013 तक देहरादून जनपद में 190 खनन भंडारण केंद्र में गड़बड़ झाला हुआ है। नेगी ने कहा कि इससे पहले भी तत्कालीन आयुक्त अनिल शर्मा को इस बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन जांच में देरी की वजह से खनन माफियाओं की पौबहार हो रही है और राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पर कार्रवाई करते हैं तो राज्य को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन वर्तमान सरकार भी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। इन खनन माफियाओं ने प्रदेश, जो अन्य प्रदेश है, हिमाचल, यूपी, तमाम इन जगहों से अपने यहाँ इनके लेखा जोखा उसमें आमद दिखा रखी है, लेकिन कहीं भी व्यापार कर चौकियों में उस आमद का लेखा जोखा नहीं है, न फॉरेस्ट की चौकियों में। इस बात को लेकर के इन तमाम मामलों को लेकर हमने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जो तत्कालीन सूचना आयुक्त थे अनिल शर्मा जी, उन्होंने इसमें बहुत गंभीरता से पूरा मामले को संज्ञान लिया और उसमें सरकार को निर्देश देते हैं इसमें कार्रवाई करें। एक साल तक कार्रवाई न होने के बाद, क्योंकि मामला 4,000 करोड़ रुपये का था, खनन जो इन्होंने अवैध कारोबार करा था, और इस मामले में लगभग 500 से 600 रुपये जो राजस्व सरकार को मिलना था, जो खनिज नियमावली उसके तहत जुर्माना लगा करके जो सरकार को मिलना था उसे नहीं मिल पा रहा था, तब हमने दोबारा सूचना आयुक्त हैं सुरेंद्र सिंह रावत, इनका दरवाजा खटखटाया, तो इन्होंने अभी निर्णय दिए 15 तारीख को दिसंबर में कि बहुत गंभीर मामला है और इतना बड़ा लॉस हो रहा है प्रदेश को, तो उन्होंने प्रमुख सचिव खनन को निर्देश दिए कि आप इस मामले को स्वयं देखें, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिले और ये खनिज माफियाओं पर प्रतिबंध लगे। तो मैं समझता हूँ इस मामले से सरकार को बहुत बड़ा राजस्व मिलेगा, अगर सरकार में थोड़ी भी ईमानदारी, बहुत तेजी के साथ इस काम को राजस्व की वसूली के मामले में इन पर शिकंजा कसना चाहिए, इसके दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए और प्रदेश में एक तरह से ये समझ लीजिए कि संजीवनी मिल जाएगी प्रदेश में। वही नेगी ने कहा कि जल्द ही वर्तमान त्रिवेंद्र रावत सरकार पर भी खुलासा करने वाले हैं। 2009 से 2013 का मामला है, कौन कौन उस समय मुख्यमंत्री रहे ये मैटर हुआ है, लेकिन अभी जो प्रदेश की सरकार है, जो TSR सरकार है, इसका चीरफाड़ में 2-3 दिन में करने वाला हूँ और सारे का सारा सच जनता के सामने लाऊंगा। आपको बता दें कि ये वही रघुनाथ सिंह नेगी हैं जिन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री की संपत्ति मामले में शिकायत की थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।